सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्नैपसीड ऐप की सहायता से इतना ख़राब फ़ोटो को स्मूथ करना। सो गाइस, तो चलिए हम अपने फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में। सॉरी गाइस, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ओके गाइस, मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से ही फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, तो देखिए स्मूथ टू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्मूथ टू को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम 100 कर लेंगे। ओके गाइस, इतना कर लेने के बाद मेरा फेस कुछ इस प्रकार से एडिटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देने के बाद एडिट स्टॉक पर क्लिक करेंगे और व्यू एडिट पर क्लिक करके पोर्ट्रेट पर क्लिक करके ब्रश वाला आइकन को ले लेना है। ओके गाइस, सो गाइस, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। देखिए मैं इसको मार देता हूँ। ओके, ओनली फेस और नहीं। इतना कर देने के बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और सेलेक्टिव को लेंगे। ओके गाइस, सेलेक्टिव को ले लेने के बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव इसको हम ले लेंगे और देखिए इस पर हम क्लिक करके क्या करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से मैं एडिट करने वाला हूँ इस फोटो को। ओके गाइस, तो देखिए इसे ना कर लेने के बाद हम इंक्रेज कर लेंगे। उसके बाद हम पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और लेंस ब्लर पर क्लिक करेंगे। ओके गाइस, लेंस ब्लर पर क्लिक कर देने के बाद देखिए इसको क्या करना है, ट्रांजिशन को माइनस कर लेना। ओके गाइस, जीरो कर लेना। ओके, और ब्लर स्ट्रेंथ को इंक्रेज कर लेना है, इसको हम 39 कर लेंगे। 39 कर देने के बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और देखिए एडिट स्टॉक पर क्लिक करके व्यू एडिट पर क्लिक कर देंगे और लेंस ब्लर पर क्लिक करके ब्रश वाले आइकन को ले लेंगे। ऐसा स्मूथिंग यूट्यूब पर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। सो गाइस, तो देखिए हम पूरा छोटे छोटे स्टेप से मैं बता रहा हूँ। सो गाइस, तो देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए बहुत ही अमेजिंग स्मूथिंग हो रहा है गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप लोगों को बहुत ही सावधानी से स्मूथिंग करना पड़ता है तभी होगा अच्छे से, वरना बहुत ही ख़राब फोटो हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा आप लोगों को। सो गाइस, तो देखिए मैं अच्छे से इसको कर लेता हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी जल्दी इसको कर ले रहा हूँ, आप लोग आराम से और ज़्यादा टाइम देकर के कीजिएगा, जैसे कि आप लोगों का फोटो एडिटिंग अच्छे से हो जाए। ओके गाइस, सो गाइस, तो देखिए हम इसको इतना कर लेने के बाद क्या करना है, इसको 37 कर लेना है, सॉरी 75 कर लेना है। ओके गाइस, इसको कर लेने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं। सो गाइस, तो देखिए हम अपने इसको इरेज कर लेते हैं ऐसे, कुछ इस प्रकार से इरेज कर लेने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं। इरेज कर लेने के बाद देखिए हम ऐसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं इसको। इरेज कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इरेज कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके ट्यून इमेज को ले लेंगे। इसको ले लेने के बाद देखिए ब्रश को हम इंक्रेज कर लेंगे, हम सैचुरेशन को इंक्रेज कर लेंगे। ओके गाइस, इतना कर लेने के बाद देखिए क्या करना है, हाईलाइट को इंक्रेज कर लेना है। उसके बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसको इतना कर लेने के बाद गाइस क्या करना है आप लोगों को, नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा अपना नेट ऑन कर लेना है और इस फोटो को शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। मेरा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर हो रहा है। सो गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन में जब शेयर हो जाएगा, रुक जाइए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अभी आपको कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन दिखाने को मिलेगी। ओके गाइज, तो हम इस पर क्लिक करके लाइटरूम एप्लीकेशन में इंटर हो जाएंगे। इंटर हो जाने के बाद मैं एक प्रीसेट यूज करने वाला हूँ जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टोटली PNG आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही डाउनलोड करेंगे, मैं उसमें दे दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग, वैसे नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, तो गाइज तो चलिए हम कर लेते हैं इसको।